तो जो गौशाला में अभी बड़ा मामला कटा है तो उसकी एक कमेटी बनाई गई, कमेटी 10 सदस्य कमेटी क्या कुछ फैसला लग रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। और ये जो भाई है जिसने देखा था वो मौके पर था, तो वो सारी बातचीत कराएंगे। तो पुलिस प्रशासन भी मौके बिल्कुल बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे, DSP साहब SDM साहब पहुँच रहे हैं। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कौत, फिलहाल जींद जिले के दड़ोली गांव में हाँ। और एक भाई गौशाला में जो गौवा की रक्षा करा तो वही बक्षक बन गए हैं, यानी गौवा की खाल उतारी जाओ है, उनकी गर्दन काटी जाओ, तो बड़ा ही खुलासा हुआ है। तो एक बॉक्सर भाई है जो ढिल्लो है, उसने बिल्कुल खुलासा करा। और जो प्रशासन की टीम बता तो बहुत ज़्यादा प्रशासन उधर पहुँच रहा है, तो बिल्कुल DSP साहब भी पहुँच रहे हैं और आप जो आला अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। तो बातचीत कराएंगे आखिर पूरा मामला किस तरह है। जब प्रशासन की बड़ी मदद से, SDO साहब की बड़ी मदद से बड़ी कामयाबी मिली है। गौ माताओं को जितने भी ये चल रहे थे हरियाणा हिंदुस्तान में, ये सब बंद होंगे और इनकी बड़ी मदद से, साथ की वजह से आज इतनी कामयाबी को मिला है। इस गौशाला को बंद करा जा रहा, सरकारी गौशाला में कन्वर्ट करा जा रहा। आज लगा कि हाँ, गौ तस्करों को उनकी सभा सिखा सकते हैं। पूरा मामला बताओ, पूरा शुरुआत से बताओ जी। 14 तारीख के मकर संक्रांति वाले दिन वहाँ गायों की खाल पाई गई थी, उन्हें काटा गया था, उनके कटे हुए सिर थे। एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो वायरल करी गई थी। भाईचारे को एक करके कई हजार भाई जींद के इकट्ठे हुए थे, इस मांग को पूरी करवाने के लिए रखा था। गौशाला की तरफ जा रहे थे, फिर DSP साहब, दो DSP साहब, SDO साहब और पूरी टीम इनकी वो आई, उनसे हमने कही, जितनी भी वो कमेटी थी उनके साथ मुकदमा हुआ, उन्हें गौ माता उनका बाहर करा गया गौशाला से। और इन तीनों मांगों को पूरी करवाते हुए अब हम संतुष्ट हैं। अभी हम जाके अपनी जो भाईचारा उसके सामने पढ़ेंगे, बस यही है। जो गौशाला की टीम थी उसी के द्वारा ये किया गया है, ये गौशाला वालों ने करा, गौशाला की कमेटी ने। गौशाला की हडवारा नाम की एक चीज होती है, मैं आप लोगों को बता दूं, हडवारा नाम की एक चीज होती है जिसके अंदर वो कहते हैं मरी हुई गाय के वो खाल उतारते हैं या मांस बेचने हड्डी बेचने का कार्य होता है, वो इंडिया के अंदर से बिल्कुल बैन है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी गौशाला इस काम को करती है, समझ लो गौ कसाई का काम कर रही है, इसके खिलाफ लीगल एक्शन है। अगर किसी को भी लगे ऐसा होता है तो किसी भी अपने आसपास की गौ रक्षक दल से या किसी भी टीम से मिले। बाकी हमारा नंबर है दल का 9315552910, संपर्क करें। बाकी प्रशासन का बड़े सहयोग के साथ ये काम सफलता में मिली है, हम प्रशासन का अभी। यहाँ तो आपने वीडियो बना ली, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है देखो हिंदुस्तान में, हाँ, उन्हें जागरूक करने के लिए ही तो होगा, जागरूक करने के लिए। आज ये चीज 4 लाख आदमियों ने देखी, इससे जागरूकता हुई है। जी आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये काम हो रहा है? हम दान देने आए थे गांव की कमेटी के साथ, जब हमने नोटिस करा जिस हिसाब से हमारे गांव में, जैसे एक बच्चिया ने जान दी तो उसे देख के समझ गया, भूख के हमारे बच्चे जान दे रहे, तो फिर सारी इंक्वायरी करी, जब पता चला कि गायों को जबरदस्ती मारा जा रहा, भूखे पेटों ने रखा जा रहा ताकि वो मौत हो उनकी हडवारे के लिए। गौशाला के अंदर बहुत सारा दान भी आता, दानी से दान आता है जी, देखे जाते है। क्या आपको गौशाला भी कई तरीके की, गौशाला भी कई तरीके की, जैसे हमारे बड़े भाई हैं कालू कोडल, उनकी गौशाला आप जाके देखो, और कई गौशाला जो गौशाला के मेंटेनेंस सब कुछ है, लेकिन इस टाइप की जो गौशाला है वो सिर्फ गौशाला के नाम पे कलंक है, वो लोगों से पैसा कमाने का एक तरीका है। ऐसे और लेकिन हाँ, जी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन हाँ, नाम पे कलंक रहे इन्होंने, उनके नाम पे को ढका दिया। एक चीज मैं आपसे कह देता हूँ, जो भी इस टाइप का आगे काम करेगा उसके खिलाफ लीगल नहीं, अब उसके खिलाफ हर तरीके की कार्रवाई करने का काम करेंगे। गोरक्षा दलों की अगर मैं बात करूं, क्या भविष्य में जो है आने वाली हर एक जो गौशाला है उसकी आप देखरेख करेंगे या फिर ऐसी चीजें देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं वो तो जनता बताएगी। जब हमने नंबर डाल दिया, जहाँ जहाँ से मदद मांगी जाएगी, हम अपने भाईचारे से मदद मांगेंगे, हम करेंगे जहाँ तक हमसे करा जाएगा करेंगे। वो गोरक्षक नहीं है जी, वो पहले से ही दलाल है, उनका गोरक्षा से कौन बचा है। और गौशाला चला रहे हैं जी, ऐसा वोट देने वाली जनता को पता होना चाहिए वो किसको वोट दे रही है, और पद देने वाले अधिकारियों को पता होना चाहिए वो किसे पद दे रहा है। इस चीज को सोचते हुए आप कहो, किसी सबको आपकी गलत नहीं कह सकते। आज सारी प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन गौ रक्षा तो जी उनने गौरक्षक नहीं है, वो पद अधिकारी है, गौशाला के पद अधिकारी है, जिनने आज तक अभी गौरक्षा ना करी हो। और ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन पर गौ कसाई का केस लगेगा और इनके आने वाली नस्लें भी इन पर शर्म करेंगी कि इनने किस चीज़ के ऊपर पैसे घोटाला करके खाए। इनकी गांव गुआंड में भी जमानत जब्त वाला काम है इनका, और इस टाइप की कार्रवाई में जिस हिसाब से जिंद की जनता ने हमारा साथ दिया, मैं सारी जनता से अपील करता हूँ सारे ऐसे आगे बढ़ चढ़ कर आओ।
मसला उजागर तो हो गया बस, लेकिन इसका समाधान तो नहीं हो गया। समाधान हो भाई अली तमरी बंद हो गया, अब आगे सरकारी गौशाला में कन्वर्ट हो जाएगी और अडवारा कोई भी गौशाला हो या कभी नहीं खुल सकता। जो प्रशासन ने भाई लिख के दे दिया तो मतलब एक गौशाला का निरीक्षण जो है प्रशासन के द्वारा करा जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा, प्रशासन ने लिख के दे दिया। जो गौशाला में दान देते हैं उनके थ्रू इस चीज का निरीक्षण करा। प्रशासन भी आम आदमी को अगर मैं किसी भी गौशाला में दान देता हूँ तो मुझे उस गौशाला का निरीक्षण करना चाहिए। अडवारे जैसी कोई चीज दान देने से पहले पूछनी चाहिए कि आप गौ के मरने के बाद उसके क्या करते हो, उसका अंतिम संस्कार करते हो या उसकी बॉडी का व्यापार करते हो। इस चीज को देखते हुए हमें जागरूक हम सारी जनता को होना चाहिए और अडवारे के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जय गो माता। तो बिल्कुल देख सकते हैं प्रशासन है बहुत ज्यादा संख्या पहुँच रही है, DSP साहब SDM साहब तो जो आला अधिकारी है पहुँच रहे हैं। देखिए मनीष तारक के सामने जो ये सब कुछ हुआ इसके खिलाफ जो भी कमेटी है उसके ऊपर केस होगा। जो ये गौशाला सरकारी गौशाला बनेगी सबसे बड़ी मांग हमारी पूरी होगी। नाम की चीज होती है जो ये खाल खेचने के लिए बहाना बना रहे थे वो जिनसे हमेशा के लिए परमानेंट बंद, आगे आने वाले कोई घर में भी इस चीज को नहीं कर सकता। जींद के अंदर भाई साहब अंदर क्या क्या मिला अभी अंदर क्या क्या अंदर जो मिला वो वीडियो डाल दो बात हुई वो सुन लो भाई जो बात वो करे पूरी बात सुन लो। नाम की जो बीमारी है गौशालाओं में वो बंद हो चुकी है। वो बेशक हरियाणा हिंदुस्तान कही हो जिस भाई ने पहले गौशाला में दान देने पहले पूछना द्वारा नाम की चीज आपकी गौशाला में है तो उस गौशाला पे क्रॉस मारना और उसकी रिपोर्ट करना। पहली मांग की जो गौशाला है वो सरकारी सदस्यों के थ्रू चलाई जाए, सरकारी गौशाला बनाई जाए। इस प्रकरण में दोषी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, उस पर सख्त से सख्त कानून करा जाएगा। तुम्हारे पदाधिकारी कमेटी वगैरह सब 24 भाई FIR नंबर 12 जो पीलूखेड़ा थाना में दर्ज है जो भी अडवारा यहाँ इस ट्रस्ट में पाया गया है वो जो भी अडवारा यहाँ इस ट्रस्ट में पाया गया उसे आज के दिन ही बंद करा जाएगा और आने वाले टाइम में जींद के अंदर कोई नहीं खोल सकता अडवारा। जींद नहीं हरियाणा इंडिया के अंदर ये पूरी तरीके से इलीगल है, कोई नहीं खोल सकता। तीनों मांग पूरी हो चुकी है। जय गौ माता। जींद की जनता ने भाई बहुत बढ़िया काम करया तने भाई रे तेरा बिरानी हो बताओ तेरा बिरानी हो बता मित्र सुना भान थारे मियां दा।